नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं असल दस्तक। कल सुबह से आज सुबह से लगातार कोरोना किट बेच रहे हैं पतंजलि, मतलब स्वामी रामदेव जो हैं और उनके जो शिष्य हैं बालकृष्ण। ये वही बालकृष्ण है जो नेपाल से हैं और जो नेपाल हमें हैकरी दिखा रहा है। तो ये कोरोना की दवाई बेच रहे हैं कोरोना किट के नाम से। आप सोचिए कि किस तरह से अंधविश्वास में ये देश डूबा हुआ है और किस तरह से टेलीविजन चैनल पे लोग लगातार इस पर बहस कर रहे हैं। तमाम टेलीविजन चैनल जो रामदेव के ऐड से चलता है, उन्होंने बिना जांचे समझे इस रामदेव के दावा को मान लिया है कि ये कोरोना की दवाई बन गई है। इसको लेकर दिलीप मंडल ने एक पोस्ट लिखा है, या तो ये दवा अफवाह और अफवाह है। अगर प्रमाणिक दवा है तो भारत सरकार इस दवा से COVID-19 मरीजों का इलाज शुरू करे। सबसे पहले ये दवा बीमार सांसदों, नेताओं, अफसरों को दी जाए, या फिर द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 के तहत इस विज्ञापन पर कार्रवाई करे। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है किसी देश में इसी तरह की अफवाह फैलाई गई थी तो वहां के राष्ट्र प्रमुख ने कहा था कि जो भी दावा करता है कि उसने कोरोना की दवाई बना ली है, उसको सबसे पहले कोरोना से पीड़ित किया जाए और फिर वो उस दवाई से अपना इलाज करके दिखाए, तब सरकार उसको मान्यता दे देगी। क्या स्वामी रामदेव और उनके बालकृष्ण तैयार हैं कोरोना मरीज से मिलने के लिए? क्या वो अपने आप को कोरोना पहले अपने आप को कोरोना से बीमार कर ले, फिर इस दवाई से वो अपना इलाज कराएं? और क्या सरकार ने इसको मान लिया है? क्या सरकार इसको अस्पतालों में दवाई करेगी? नहीं तो फिर ये मीडिया किस तरह से लोगों के दिमाग में जहर बैठा रही है। आप सोचिए, अगर इस दवाई को लाखों करोड़ों लोग हैं भारत में, उन्होंने खरीद लिया तो क्या होगा? ये वही रामदेव हैं, ये वही बालकृष्ण है। यही बालकृष्ण का जब पेट खराब हुआ था, जब फूड प्वाइजन हुआ, तो ये दौड़े दौड़े एम्स गए थे, तब इनका सारा आयुर्वेद जो है वो धरा का धरा रह गया था। मैं खासकर तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं, तब तक किसी भी तरह की इस तरह के अफवाह में ना पड़े जब तक उसकी कोई वैज्ञानिक प्रमाणिकता ना हो। टेलीविजन चैनल पर मत जाइए, उनके यहाँ करोड़ों का ऐड देते हैं रामदेव और इस वजह से उनकी बातों को माना जा रहा है। और ये मैं फिर कह रहा हूं कि ये दवाई जो है उसको बिल्कुल आप विश्वसनीय ना माने। सबसे पहले भारत सरकार को इस पर आके बयान देना चाहिए कि क्या वो इस दवाई को प्रमाणिक मान रहा है। और इसीलिए कुछ लोगों ने इस बात को लिखा है कि शिवम जाटव लिखते हैं कि बाबा रामदेव जी, चलो हमने मान लिया फिलहाल आपकी दवाई से मरीज ठीक हो रहे हैं, लेकिन बाद में अगर अरबों खरबों रुपए कमाकर ये दवाई खराब सिद्ध हो गई तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या खरीदने वालों को उनका पैसा वापस मिलेगा? तो देखिए किस तरह से अफसर में बदला जा रहा है इसको, और लगातार लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। और एक और ट्वीट मैं आपको बताऊंगा किस तरह से स्वामी रामदेव ने जिस तरह से ये बात कही है, उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्वामी रामदेव जो हैं वो खुद इस दवाई को मान लेंगे? क्या वो कोरोना पेशेंट बनेंगे? क्या उनको कोरोना मरीजों का इलाज किया जाए? तो समझिए अखबार और टेलीविजन जो है वो किस तरह से आपको कर्म कांड में धकेल रहा है। आप बिल्कुल इस तरह के चीजों पर भरोसा ना करें। अब तक सोचिए दुनिया के तमाम बड़े देश कोरोना का इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो फ्रांस हो। तो ये एक तरह का ही बहुत ही बड़ा एक अफवाह फैलाया जा रहा है और इससे आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। और जो भारतीय भारत की सरकार है, जो भारतीय मेडिकल एजेंसीज है, जो तमाम ICMRI है, इन सब लोगों को इस पर इनिशिएटिव लेना चाहिए। और दिलीप मंडल ने साफ साफ लिखा है कि अगर ये अफवाह है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको फिर बता दूं कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है इस बहाने से, और जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि ये कोरोना के दवाई है, ये सिर्फ मार्केटिंग है। बहुत लंबा प्रोसेस होता है इसका, कोरोना की दवाई का, और ये इतना आसान नहीं है जिस तरह से ये बात कही जा रही है। और रोहित सरदाना, सोचिए ये लोग किस तरह से बैटिंग करते हैं। इन्होंने कहा है कि अगर रामदेव ने ये दवाई सही में खोज ली है तो ये बहुत बड़ी सफलता है, तो आप इंटरव्यू किस बिहाफ पे कर रहे हैं ये आपको बताना चाहिए। तो मैं खासकर बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं कि किसी तरह के अफवाह में न पड़े। इस दवाई की अभी कोई प्रमाणिकता सामने नहीं आई है, सरकार ने नहीं कहा है, मेडिकल एजेंसीज ने नहीं कहा है, दुनिया भर के जो लोग इस पर नजर रखे उन्होंने नहीं कहा है। और ये टीवी अखबार पर मत भरोसा कीजिए। कल ही मैंने आपको बताया था कि भारत में जो टीवी अखबार है वो
फेक खबरें फैलाता है, वो अंधविश्वास फैलाता है, वो झूठ फैलाता है, वो दुष्प्रचार फैलाता है और वो विज्ञान विरोधी है, मानवता विरोधी। तो रामदेव की जो दवाई है वो अब तक बिल्कुल अप्रूव नहीं है, और अगर ऐसा है तो रामदेव सबसे पहले इसको टेस्ट करवाएं, वो लाइव कैमरे पर, उनके पास तो इतना चैनल है, किसी लैब में जाएं, वो कोरोना से खुद पीड़ित हों, उनका टेस्ट किया जाए, अगर वो पॉजिटिव आते हैं तब उनका इलाज किया जाए उसी दवाई से, और जब वो ठीक हो जाए खुद पर वो प्रयोग करें। एक लंबी प्रक्रिया होती है कोरोना से किसी भी दवाई को कह देने में कि ये दवाई सही है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह के झांसे में ना आए। ठीक वैसी है जैसे ये दवाई यूज कीजिए, दांत हीरे जैसे चमकने लगेंगे, ये दवाई यूज कीजिए। सोचिए साध्वी प्रज्ञा ने क्या कहा था, मेरा कैंसर ठीक हो गया, आज वो एम्स में सफरर हैं और एम्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी आंखें खराब हो गई है। तो गाय गोबर गौमूत्र आयुर्वेद इन सब तरह की, जब तक इसकी कोई टेस्टिंग ना हो, वैधानिकता ना हो, इस पर भरोसा मत करें। मैं बचपन से हमने गाँव में बहुत सारे देखे हैं, किडनी में पत्थर है तो फलाना पानी पीजिए, ढमकाना पानी पीजिए और मर्ज जो है वो बीमार होता जा रहा है। तो ये किस तरह का, इस देश की मीडिया किस तरह से है, किस तरह का अंधविश्वास फैलाती है, और किस तरह से एक आदमी जो आयुर्वेद तेल आटा सत्तू नमक मिर्च हल्दी बेच रहा है वो कोरोना की दवाई बनाने का दावा करता है, और टेलीविजन मीडिया उस पर लट्टू हो जाती है क्योंकि उसके यहाँ से लाखों करोड़ों का उनको एडवर्टीजमेंट मिलता है। तो अपनी जान को बिल्कुल खतरा में न डाले, और मुझे लगता है कि सरकार को आके, स्वास्थ्य मंत्रालय को आके, भारत सरकार को आके, तमाम मेडिकल एजेंसीज को आके, तमाम लोगों को आके इस पर बात रखनी चाहिए, क्योंकि ये किसी न किसी तरह से कहीं लोगों को बरगलाने की कोशिश तो नहीं है। और अगर ये सच है तो रामदेव पहले अपना इलाज कराएं, पहले वो पीड़ित हों, फिर कोरोना का वो इलाज करें इस दवाई से, तब मान लेगा देश कि ये कोरोना की सही दवाई है। नहीं तो अब तक इसकी कोई वैज्ञानिक वैधता जो है वो नहीं मिली है, और कोई भी मेडिसिन कोई भी वैक्सीन जब आती है तो उसकी एक प्रोसेस होता है, उसको रिसर्च टीम जो है उसको भारत उस देश की सरकार जो है वो उसको वेरीफाई करती है। फिलहाल ये सिर्फ एक सगुफा लग रहा है जिसको छोड़ा जा रहा है, और बाजार के नाम पर जैसे एक बाबा पहले कहता था कि हाथ चूम के कोरोना का इलाज करते हैं, वो खुद मर गए। वो अभी एक दारूवाला थे, बहुत बड़े भविष्यवक्ता थे, उनको यही नहीं पता था कि कोरोना से उनकी मौत हो जाएगी। तो मैं फिर इसीलिए कह रहा हूं इस तरह से बचे। किसी अभी हाल ही में खबर आई थी, किसी देश के राष्ट्रपति ने कहा था कि जितने अफवाहबाज हैं सब पर मेरी नजर है, और जो भी अफवाह फैला रहा है कि कोरोना की दवाई बना ली है, वो पहले कोरोना से पीड़ित हो और वो इलाज करवाए और तब हम मानेंगे। इसी तरह की एक इटली में एक बैनर चला था कि जो लोग भी कह रहे हैं कि सब सब भगवान के हाथ में है, वो कोरोना पीड़ितों के इलाके में आए और अपने आप को बचा के दिखाएं कि क्या उनको कोई दूसरी ताकत बचा ले रहा है। तो इस तरह के अफवाह में न पड़े, और ये अभी तक तो अफवाह है और इसकी कोई वैधानिकता नहीं है, कोई वैज्ञानिकता नहीं है, और ये सिर्फ जिस तरह से वो तेल को कहते हैं शुद्ध है, आटा को कहते हैं सबसे शुद्ध है, उनका हर चीज सबसे शुद्ध होता है, बाकी सब अशुद्ध है, और उसी तरह की मार्केटिंग है, जबकि सबसे ज्यादा गड़बड़िया पतंजलि के प्रोडक्ट्स में मिलते रहे हैं। तो कम खाने पीने की चीज बनाने वाला शख्स जब आपको कैंसर और कोरोना जैसे इलाज, तो बाबा से सवाल पूछाना चाहिए कि जब आप कोरोना कैंसर के इलाज कर देते हैं तो एक साधारण फूड प्वाइजनिंग पर आपके बालकृष्ण को एम्स में क्यों जाना पड़ता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, क्या रामदेव की दवाई पर भरोसा कर रहे हैं, और टीबिया के साथ टीवी मीडिया के साथ मिलकर एक साजिश है, ये आपकी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।